हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष शुक्ला और आप सभी के लिए लेके आया हूँ क्रिकेट कीड़ा का मैच नंबर 11 का रिव्यू। तो दोस्तों, केन विलियमसन की ना मौजूदगी में भुवनेश्वर कुमार ने संभाला SRH का जिम्मा। उछाला पिच के बीचों बीच सिक्का गिरा मेहमानों के पक्ष में। मेहमान टीम RCB के कप्तान विराट कोहली ने लिया गेंदबाजी का फैसला। हाथ मिलाए दोनों कप्तानों ने, शेयर की टीम्स और अब क्रिकेट कीड़ा शेयर कर रहा है आपके साथ वही दोनों टीम्स। पूरे मैच का रिव्यू जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए। RCB के बैटिंग करने के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने पूर्व कप्तान डेविड वार्नर और इंग्लैंड से आए हुए विकेटकीपर बल्लेबाज जॉनी बेस्टो को क्रीज पर ओपन करने के लिए भेजा। दोनों का माहौल शुरुआत से ही सेट था। दोनों ने स्टार्टिंग में ही रन बनाना चालू कर दिए। उस चौके छक्कों की बरसात हो रही थी पहले ओवर से, तो यहाँ पे उन्होंने अपने 5वें ओवर में पूरे कर लिए 50 रन। और छठा ओवर जहाँ पे पावर प्ले समाप्त होता है उसके एंड में जो SRH की टीम का स्कोर था वो था 59-0। जुझारूपन पूरी तरीके से जारी रहा जॉनी बेस्टो का, अपने 50 की तरफ वो अग्रसर हो गए। उसके बाद क्राउड जो था राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में बहुत खुश हुआ। कुछ कन्नड़ सुपरस्टार्स भी हमें देखने को मिले ग्राउंड पर। इस जोड़ी का संघर्ष अभी भी जारी था और इसी के चलते टीम ने 10वें ओवर में ही 105 रन का हासिल कर लिया स्कोर। इस स्कोर के साथ आराम से टीम 240 तक का आंकड़ा देख रही थी। तो दोस्तों, इसी बीच डेविड वार्नर ने भी अपना 50 पूरा कर लिया। स्लो स्ट्राइक रेट था कंपेयर टू जॉनी बेस्टो। यहाँ पे विराट कोहली भी बहुत परेशान नजर आए पूरे मैच के दौरान, फिर भी अभी भी डेविड वार्नर और जॉनी बेस्टो जारी रहे अपने संघर्ष को बढ़ाते हुए, टीम को अग्रसर करते हुए 15वें ओवर में 150 का लक्ष्य हासिल किया। इसी बीच जॉनी बेस्टो ने अपने चौथे मैच में ही 100 जड़ दिया। 52 गेंदों में 101 रन का सफर तय किया जॉनी बेस्टो ने। उसके बाद उमेश यादव को वो अपना हाथ में कैच थाम बैठे। उसके बाद आते हैं वहां विजय शंकर, जिन्होंने अपनी पहली ही गेंद में मारा एक छक्का। उसके बाद वो 3 गेंदों पर 9 रन बना के रन आउट हो जाते हैं। डेविड वार्नर आखिरी ओवर में अपना 100 पूरा कर लेते हैं और जॉनी बेस्टो और डेविड वार्नर के 100 के कारण ही SRH की टीम ने 231 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर। जब SRH के खिलाफ उन्हीं के होम ग्राउंड में 231 चेस करने की बारी आती है तो RCB के सारे दिग्गज बल्लेबाज अपने घुटने टेक देते हैं। विराट कोहली 3 रन और AB डिविलियर्स 1 रन पर आउट हो जाते हैं। मोहम्मद नबी ने लिया है पूरे मैच में 4 विकेट। उसके अलावा पूरा का पूरा खेमा निराश रहा। RCB की टीम से 4 बल्लेबाजों को छोड़ के किसी ने तिहाई का आंकड़ा नहीं छुआ। प्रयास बर्मन, उसके अलावा कॉलिंडी ग्रैंड होम, पार्थिव पटेल और उमेश यादव के अलावा किसी ने दिहाई का आंकड़ा नहीं छुआ। और नबी की शानदार गेंदबाजी के चलते 113 रन पर ऑल आउट हो गई RCB की टीम 19.5 ओवर में। पूरे 20 ओवर तो लगभग खेले लेकिन इस मैच को हार गई RCB।